तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई ब्रांड वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले ट्रेंडिंग जो अभी वीडियोस चल रहे हैं स्काई वाले, मतलब मून इफेक्ट है, रेन इफेक्ट है, ग्लो इफेक्ट है, तो सभी का मतलब एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बना देते हैं अपन। मैं आपको आज दिखा देता हूँ कि अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो सब लोग कैसे एडिट कर रहे हैं, वो मून वाला इफेक्ट जो अभी चल रहा है, लाइक मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए आप वीडियो। याद है तुमको वो जब दिल को चुराया। ऐसे सभी वीडियो आ रहे हैं अभी इंस्टा पे, बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए ट्यूटोरियल पे चलते हैं। तो इसके लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो VN एप्लीकेशन ओपन कीजिए, देन क्लिक ऑन प्लस आइकन, देन न्यू प्रोजेक्ट, देन आपको जो भी वीडियो एडिट करना है वो ले लीजिए। चलो मुझे ये वीडियो एडिट करना, मैं ले रहा हूँ। क्लिप का वॉल्यूम कम कर देते हैं अपन, ज़ीरो कर देते हैं। और जो आगे का पार्ट होता है आप कहीं से भी ले सकते हो, लाइक देखो मैं दिखा देता हूँ। आप टैप यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से कोई भी ब्लैक वाला आगे वाला पार्ट ले सकते हो आप। तो आप आगे का मतलब टेंशन मत लीजिए, आप आगे का तो ऐड कर देना वो लिरिक वाला। मैं आपको जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है वो इफेक्ट कैसे डालते हैं वो सिर्फ मैं आपको सॉफ्टवेयर में सिखा देता हूँ। देखो यहाँ से पूरा स्काई है, तो मुझे यहाँ से स्प्लिट कर लेना है वीडियो को। यहाँ से पहले फिल्टर में जाना, एडजस्ट करना है अपने को, ये क्लिप थोड़ा एडजस्ट करना है, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम कर देते हैं, वाइब्रेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर दो, बाकी अपने हिसाब से आपको जो सही लगे वो कर सकते हो। देखो ये अपने क्लिप को अपने थोड़ा एडजस्ट कर लिया। फिर अभी मेन आता है स्टॉक्स, जो मतलब स्काई पे डालते हैं वो कैसे करना है। तो टैप ऑन एड स्टिकर पे करना है। यहाँ पे देखो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, मेरे पास पूरा स्टॉक है, मैं आपको सब दे दूँगा। देखो ये पूरा, तो आप यहाँ से पूरा स्टॉक मतलब ऐड कर सकते हो। देखो मैं मून वाला इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ, यहाँ से ऐड करना है। और जो ट्रेंडिंग ग्रे इफेक्ट चल रहा है, तो आपको अगर वो ऐड करना है तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिखा देता हूँ, वो ट्रेंडिंग वाला ग्रे इफेक्ट करने के लिए क्या करना है। देखो अपना क्लिप हो गया, तो फिर अपने को यहाँ से स्प्लिट, अपने को फिर से फिल्टर पे जाना है, एडजस्ट पे जाना है, देन यहाँ पे फिल्टर में आपको फिल्म ढूंढना है, F5, F6, F7। तो आपको जो मेरे को F7 सही लग रहा है तो मैं ये ले लूँगा। फिर यहाँ से अपने को एक्सपोर्ट कर देना है। देखो एक्सपोर्ट हो गया। मैं आपको जो ट्रेंडिंग ग्रे इफेक्ट चल रहा है तो वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये ट्यूटोरियल उसमें भी आ जाएगा, तो दोनों मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ सेव टू एल्बम कर देते हैं। फिर आपको प्रिक्वल एप्लीकेशन ओपन करना है, देन आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो पर क्लिक करना है, और जो अपने वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया वो ले लेना है। फिर आपको फिल्टर पर क्लिक करना है, और फिल्टर में सर्च करना है KYOTO, देन देख सकते हो आप वो ट्रेंडिंग इफेक्ट लग गया है। फिर यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है इसको, फिर एडजस्ट में जाना है, यहाँ से आपको जो भी मतलब सेटिंग्स करना है कर सकते हो। देखो बड़ा कम कर सकते हो, और अभी ग्रे इफेक्ट बढ़ाने के लिए अपने को टेम्परेचर में जाना है। टेम्परेचर को जितना कम करोगे आप उतना ग्रे इफेक्ट बढ़ेगा, देखो देख सकते हो आप। तो ये अपना ग्रे इफेक्ट का था, तो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना है। अपना एक्सपोर्ट हो चुका है, फिर से अपने को VN में जाना है, वो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वो एक्सपोर्ट प्रीक्वल वाला लेना है। अभी अपना ट्रेंडिंग मून वाला और स्काई इफेक्ट कैसे डालना है वो दिखा देता हूँ। टैप ऑन स्टिकर करना है, स्टॉक्स पे क्लिक करना है, और
इंपोर्ट कर देना है फाइल में से। देखो ये रहा मेरा, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना मुझे या मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, मैं वो सब मटेरियल उधर डाल दूंगा। देखो ये अपने को हाफ ही चाहिए, तो अपने को ये क्रॉप बटन पे क्लिक करना है, फ्री पे क्लिक करना है, देन क्रॉप कर लेना है। अपने को जितना चाहिए उतना क्रॉप कर लेना है। देखो अपने को इतना चाहिए तो अपन ने क्रॉप कर लिया, फिर इधर जितना स्काई है उधर एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, थोड़ा एडजस्ट कर लो। फिर अपने को ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है, देन अपने को मल्टीप्लाई वाला बटन दिख रहा होगा, आप ये भी कर सकते हो बट मल्टीप्लाई वाला बेटर रहेगा। मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दिया, फिर ओके कर देना है। फिर आपको मास्क बटन दिख रहा होगा राइट एंड में, और मास्क पे क्लिक करके लीनियर पे क्लिक करना है। देन अपने को जितना तक स्काई है उतना ही देखो अपने को स्क्रॉल करना है, डाउन कर लेना है। देखो ये बढ़िया इफेक्ट आ रहा है इससे, तो आप देख सकते हो पहले वीडियो कैसा था, फिर अभी देखो वीडियो कुछ ऐसा हो गया है। देखो ये अपना मून इफेक्ट आ गया। अभी मून के पीछे अपने को ग्लो इफेक्ट डालना है, तो क्या करना है, तो फिर टैप ऑन स्टिकर पे क्लिक करना है, स्टॉक्स पे क्लिक करना है, फाइल में से इंपोर्ट करना है। अब थंडर इफेक्ट है, कुछ भी डाल सकते हो। देखो ये रहा ग्लो वाला इफेक्ट, तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अपने को जहाँ तक चाहिए उतना एडजस्ट कर लेना है, फिर थोड़ा बड़ा कर देता है उसको। फिर से ब्लेंडिंग पे क्लिक करके मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है, फिर अपने को मास्क पे क्लिक करना है, देन यहाँ तक खींच लेना है। फिर इस ग्लो इफेक्ट को मून के नीचे कर देना है अपने को, तो आप देखना अभी कैसा इफेक्ट आता है। तो देखो पीछे ग्लो हो रहा है और थंडर जैसा इफेक्ट आ रहा है। तो आई होप आपको ये सब ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। मैंने आज रील डाली है, मैं आपको दिखा देता हूँ यही वाली, तो मैं दिखा देता हूँ कैसा था अपना वीडियो। देखो ये देख सकते हो, मर्जी दफा हो जा मेरे तो खफा, मैं लूंगा मना इकरार हो गया, रोवेगी मकदरां हीरे मेरी जे हीरियां दे हार जे हयार खो गया। तो आई होप कि आप सबको ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, या टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता देना, या कमेंट सेक्शन में बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।